दोस्तों ये वीडियो बनाता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है मेरे सामने यहाँ पर पेटीएम से रिलेटेड, मतलब पेटीएम के ऊपर एक फ्रॉड। अगर आप उसको जानना चाहते हैं कि यार वो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, आपके साथ ऐसा ना हो, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहला काम शेयर कर दीजिए उन लोगों तक कि जो हमें आगे बताने वाला, उन लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो टिकट बुक की मेट्रो की, मुंबई मेट्रो की। मुझे जाना था साकीनाका से अंधेरी तक का, इसलिए मैंने दो टिकट बुक की। अब मुझे वो टिकट करनी पड़ी कैंसिल। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है मेट्रो का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगर दिखाऊँ नज़दीक से आपको, तो ये है, आप देख सकते हैं दो टिकट है यहाँ पे अपने स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं व्यू टिकट करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे न्यू सपोर्ट आया, मतलब अगर मुझे टिकट को कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन उसको देना चाहिए, जबकि वहाँ पे वो कैंसिल का ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया न्यू सपोर्ट, यहाँ पे आप देख लीजिए कैंसिल का ऑप्शन नहीं दे रहे। हाँ, इसका मतलब आपको जाना जहाँ पे उसको आप चेंज कर दीजिए, मतलब आपको समझ लो अंधेरे से आगे कहीं और जाना है। मतलब पैसे लेते टाइम इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन देते टाइम मतलब क्या प्रॉब्लम इन लोग फेस करें। अगर मैंने कस्टमर केयर से फोन ला के बात भी किया तो बोल रहे मतलब EQIC करो। अगर भाई मुझे नहीं करने का EQIC, लेकिन उन लोग मुझसे एक ID नंबर पूछ रहे जो कि मेरे पास नहीं है, जो कि सिर्फ पेमेंट बैंक वालों को ही मिलता है वो ID नंबर, जबकि मैंने पेमेंट बैंक नहीं किया, मुझे चाहिए भी नहीं पेमेंट बैंक। वो लोग मुझसे ID नंबर पूछ रहे, तो मैं आपको सिंपल से कॉल करता हूँ और वो मुझे कस्टमर केयर तक जाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगाता है, यहाँ तक कि इनफेक्ट जाता भी नहीं, इसलिए मुझे दूसरे नंबर से कॉल करना पड़ा है। तो भी मतलब मैं यहाँ पे आपके सामने लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे नंबर से, मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखाता थोड़ा करीब से, ये आप देख सकते हैं नंबर, ये सारे नंबर जो हैं मैंने मतलब उनसे कॉल किया है अलग अलग नंबर से काफ़ी टाइम से, मतलब ये तकरीबन से 2-3 घंटे से मैं परेशान हूँ। ये आप सभी को बताना था इसलिए मैंने वीडियो बनाया, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ कॉल। तो यहाँ पर मैंने इसी फ़ोन से मेरा प्रॉब्लम हो इस पर मैंने कर दिया कॉल, फ़ोन को स्पीकर पर रख के आपको सुनाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ 7 जैसे कि इसने बोला, तो मैंने यहाँ पे पेटीएम से कुछ बुकिंग की। मैंने टिकट खरीदी इसलिए मैंने एक दबाया। देखिए देखिए जैसे कि मैं आपको बताया, इसने मुझे नंबर दी, मैं उस पर भी कॉल करके बताऊंगा, लेकिन यार इसने यहाँ पे ऑप्शन ही क्यों रखा, जब उसे मतलब कुछ करना ही नहीं था उसने यहाँ पे ऑप्शन ही क्यों रखा। हाँ, जैसे कि आपने वहाँ पे बताया कि भाई आपके ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप क्लिक करो 7 दबाओ, मैंने यहाँ पे 7 दबाया, लेकिन यार वो ऑप्शन ही नहीं जाके नया नंबर पर कॉल करने के लिए। मैंने उस पर भी कॉल किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सरासर फ्रॉड हो रहा है और वहाँ पर मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा बहस भी, मैंने अलग नंबर से कॉल किया जिसमें मैंने पेमेंट बैक को ऐड करके रखा था, तो उस पर तुरंत कॉल लग गई। अच्छी बात, मतलब बताओ यार, यानी आपको पेमेंट बैंक लेना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ भी करने का है तो। पेटीएम पे बहुत ही बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं जो उसने नंबर दिया, मैं उसको फटाफट से कर लेता हूँ कॉल। ये नंबर 3 उसने दिया है। देखिए फ़ोन यहाँ पर कट गया, जो नंबर उसने बताए थे मैंने बिल्कुल से वैसे किया, फ़ोन नहीं लगा। बोलते हैं भाई मैंने कोई बुकिंग, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो मैं अपने पेटीएम में आकर आपको दिखाता हूँ मतलब कैसा है फ्रॉड चल रहा है। मैंने अपना पेटीएम ओपन किया, जबकि यही नंबर है, यही फ़ोन है मेरे पास। भाई साफ साफ मेरे यहाँ पर 2 टिकट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 2 मेट्रो के टिकट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसे मुझे कैंसिल करना है, मैं इस बस खाली, आप लोग बहुत सारे लोग समझोगे सिंपैथी गेन कर रहा है, उसलिए नहीं है भाई, ये आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इसे प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मैं आपको सुनाता कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन नहीं सुनाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा मेरी बहस हो जाएगी।
तो यार जैसा कि मैं आपको बताया, इस वीडियो को शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये वैलिड है, अभी भी आप लोग समझोगे कि सिंपैथी गेन कर रहे हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ट्रांजेक्शन आईडी दिखाता हूँ आपको, कोई नहीं दिखाता अपनी ट्रांजेक्शन आईडी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यार जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपके सामने ये देख सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन आईडी कोई नहीं दिखाता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी। आपने देख ली यार आपके सामने ये 40 रुपये। आप मैं सोचिए यार, अगर आप मान लो यार, अगर आपने EKYC नहीं किया या फिर आपने पेमेंट बैंक नहीं लिया पेटीएम का, और आपने मान लो कोई कैमरा मंगा लिया या फिर आईफोन मंगा लिया, तो आपके लिए मतलब यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उस वक्त। आपके लिए कैंसिल नहीं होगा, आइटम आपके घर तक आ जाएगा, या फिर आपने पेमेंट कर दिया, अगर आपसे कैंसिल भी होगा सकता है, आपके साथ प्रोडक्ट भी ना और पैसे भी ले लिए जाए, ऐसा होता है। एक दो वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हमारे अभिषेक सर ने बनाई है, मतलब क्या कुछ पेटीएम में फ्रॉड चल रहा है। और यार ये 40 रुपये आप मत सोचिए, मैं सिंपैथी गेन नहीं कर रहा हूँ यार, सच में रियल आपको बता दूं यार, मैं कब से बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइम से, अगर इसमें टाइम दिखाए तो ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए 3 बजे का ये टाइम है, ये आपने आप नीचे देखिए, अगर फोकस उतना अच्छे से नहीं हो रहा तो 3 बजे का टाइम है, और ऊपर आप देख लीजिए टाइम अभी कितना हो रहा है। कैमरे की क्वालिटी अगर उतनी अच्छी नहीं है तो मैं इस पर फोकस करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की टाइमिंग आप देख सकते हैं इधर पे, यहाँ पे अभी 5 बज रहा है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये 3 बजे का मतलब यार इतने टाइम से मैं कॉल कर करके किसी ऑप्शन के ऑप्शन में बोला कि यार कहीं तो नंबर होगा जो मुझे कस्टमर केयर से बात कराए, तो यार दूसरे मैंने फ़ोन से किया जहाँ पे मैंने यार EKYC कंप्लीट कर रखा था, उसके अलावा मैंने पेमेंट बैक भी ऐड कर रखा था, तब वहाँ पे मेरी जाके बात हुई, और भाई बंदे की अकड़, सर आपने ऐसा क्या सर करते करते तुम पर आ गया हो, मतलब यार इतनी ज़्यादा कस्टमर, क्या उनको पगार कम मिलती है भाई, वो सब मुझे नहीं पता भाई, मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए। मैं उन्होंने उसको यही कहा, लेकिन उसने भाई कॉल कट कर दिया कॉल उसने, तो क्या कर सकते हैं, बस आपको यही बताना था। इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लोग यार पेटीएम से बहुत ज़्यादा सामान मंगा रहे, जब से यार ये नोटबंदी हुई थी ना, पेटीएम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है, उसके अंदर कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, और मैं नीचे कुछ वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहां भी देख लीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को यार लाइक और शेयर ज़्यादा कर ले, लाइक मत करो चलेगा, सब्सक्राइब मत करो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि उन मेरे भाई तक पहुँच जाए जिनका, मेरा तो 40 रुपये गए हैं, आपके 40,000 भी जा सकते हैं। आप अगर कोई बड़ी सामान, खास करके आईफोन्स वहाँ पे काफ़ी सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेट कम वहाँ पे आईफोन्स के होते हैं, और अगर आपने आईफोन मंगा लिया, जाहिर सी बात है वो फ्लैगशिप फ़ोन से काफ़ी महंगे फ़ोन से अगर आपने मंगा लिया, तो यार प्लीज़ 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 अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं इतना कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ शेयर के मामले में, ये प्लीज़ रिक्वेस्ट मेरी शेयर कर दीजिए, और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक अगर देखा है तो प्लीज़ यार शेयर कर दीजिए।